सिस्टर इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और अभी इनकी चाहती कि जब भी परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा और मेरे घर में बेटा ही होगा, क्योंकि जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रार्थना पॉजिटिव टीचिंग को इन्होंने सीख लिया था और जो विश्वास में बने रहे थे। अच्छा, दो तीन हॉस्पिटल इसी वजह के कारण चेंज कर लिए और कोई भी आपको इस बात की हम भी नहीं भर रहा था कि हम कर देंगे, क्योंकि ये सीरियस मैटर बन चुका है। इतने लोग जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा है, पॉजिटिव प्रेयर, मतलब खुदावन कर चुका, उसी एक अच्छे अंगीकार से, एक अच्छे सांस से, एक पॉजिटिव प्रेयर में रहने से कि परमेश्वर मुझे उसका फल दे चुके हूँ, ये प्रमाण, ये सबूत, ये बेटा आपके सामने है, भला चंगा है, ये ढोल के साथ आए हैं पूरे और खुदावंद का आदर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हर बार हम एक बातचीत, जब भी ढोलक बजता है तो हम जानते हैं कि ढोलक कब बजता है। हाँ, ये ढोल जब बजता है तो क्यों बजता है? क्योंकि कोई बड़ी खुशी है। पर किस चीज की ये बड़ी खुशी है? तो हम इस गवाही को सुनते हैं कि किस बात के लिए ये ढोल बजा रहे हैं और ये सब लोग जो इनके साथ हैं। हाँ, तो ठीक है, गवाही बताओ, गवाही बताओ। हालेलुया, जो सिस्टर का नाम संदीप है और जो मुदल गांव के रहने वाले हैं और जो सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि इनके दो बेटियां थी और जैसे जो सिस्टर इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और अभी इनकी चाहती कि जब भी परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा और मेरे घर में बेटा ही होगा, क्योंकि जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रार्थना पॉजिटिव टीचिंग को इन्होंने सीख लिया था और जो विश्वास में बने रहे थे। और जैसे जो सिस्टर प्रेग्नेंट हुए और उस समय इन्होंने बताया कि जब भी जो मिनिस्ट्री में आ रहे थे और हर एक थर्सडे संडे की मीटिंग को जो अटेंड कर रहे थे और जो सिस्टर ने गुड फ्राइडे की मीटिंग के दिन 15 अप्रैल को इन्होंने बेबी बॉय की ब्लेसिंग के लिए इनके लिए ले हैंड हुई। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। दामन में बल्ले और पापों को धो, आस्था की कुवत और पाप रूप छोले, दामन में बल्ले और तो जैसे इनके लिए ली हैंड हुई बेबी बॉय के लिए, तो उसके बाद सिस्टर विश्वास में बने रहे, जे धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस कर चुके हैं और मेरा बेटा मेरे पास है, जे पॉजिटिव विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे। और जैसे जे सिस्टर ने बताया कि जिस दिन इनकी डिलीवरी थी उस दिन भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी इनकी डिलीवरी काफ़ी डिफिकल्ट थी और उस समय भी जे विश्वास में बने रहे, क्योंकि इनके घर से कोई भी विश्वास नहीं करता, जे सिस्टर अकेले विश्वास करते थे और जब भी जे
विश्वास करते थे, तो जब बता रहे कि इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से कर चुके क्योंकि आप थोड़ा मुझे डिलीवरी के बारे थोड़ा बताओ कि क्या डिफिकल्ट, इनको माइक तो क्या प्रॉब्लम आ गई थी डिलीवरी के समय, क्या प्रॉब्लम हुई? जय मसी की पापा जी, बहुत तकलीफ थी मेनू, मतलब स्थान ने बहुत रुकावट पाया है, मतलब कि जब मेनू इथे लेके गए सी दर्दा काफी लगिया है ते सुबह तो लगिया है करीब 9 बजे टाइम होना दर्दा लगिया है ते दर्दा ते मतलब ये डिलीवरी हो नहीं डई मतलब हुंदा नहीं छेती ते दर्द को कोई जब का केस हो नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था क्योंकि पहले आया था मतलब कि रिपोर्ट जी दा अल्ट्रासाउंड कराई ते गले में नाड़ू आया दे दे अच्छा जब इसके गले में नाड़ू था। तो पहले तो मैं डॉक्टर अब सुनो समझते हो गले के में नाड़ू समझ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पा रही, मतलब काफी प्रॉब्लम बड़ी खड़ी होगी। अच्छा, दो तीन हॉस्पिटल इसी वजह के कारण चेंज कर लिए और कोई भी आपको इस बात की हामी नहीं भर रहा था कि हम कर देंगे क्योंकि ये सीरियस मैटर बन चुका था। जी पापा जी। हाँ, फिर और उसके बाद पापा जी मुझे फिर अम्बरसर में एसके हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर गए, तो वहाँ उन्होंने जो ये गए मतलब ऑपरेशन करता जानते उन्होंने काफ़ी मेरी केयर की थी, जब पहले गए तो उन्होंने तो इतना नहीं केयर किया थी, लेकिन जब मुझे एसके हॉस्पिटल में लेकर गए वो उन्होंने बहुत मेरी केयर की थी, जानते ही हॉस्पिटल जो गए केस करता ही उन्होंने ऑपरेशन करता उन्होंने केस कर दिया और खुदावंद ने आपको बेटे से जी ब्लेस किया ओ तारीफ करे जोर से सबसे पहले। हाँ हाँ बताओ आपके पास क्या है और जो आपने लिखा है इतना ही कि हाँ। जैसे इन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इनको बेटे बॉय के साथ ब्लेस किया है, और क्योंकि इनकी चाहत इनके विश्वास के साथ ही हुआ है और जो विश्वास परमेश्वर को देते रहे, और आज ये खुशी के साथ इनके मन में चाहत है कि जब भी परमेश्वर मुझे बेटा देगा जी खुशी से ढोल के साथ आएंगे और जिस आदर को करने के लिए आज परमेश्वर आज खुदावन का ढोल के साथ और इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का आदर करने के लिए आए हैं। सुनो देखो कितने लोग जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा है पॉजिटिव प्रेयर मतलब खुदावन कर चुका है, जो तुमने विश्वास कर लिया जो तुमने मांग लिया रोज धन्यवाद करो वो चीज मेरे पास है, क्या करो वो चीज वो मेरे पास है, इसने इसी बात को पकड़ा और इसमें बनी रही, बोलो क्या है इसमें बनी रही। और आज जिसे इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीज उस समय इसके पास नहीं थी पर ये लगातार धन्यवाद कर रही थी और विश्वास कर रही थी परमेश्वर मुझे इसकी आशीष दे चुके और आज उसका प्रमाण आपके सामने है। बोलो क्या प्रॉब्लम शैतान ने खड़ी की बीच में डिलीवरी के समय, पर जिसने दिया वो सर्वशक्तिमान है। हाँ बोलो क्या है आज उसी एक अच्छे अंगीकार से एक अच्छे विश्वास से एक पॉजिटिव प्रेयर में रहने से कि परमेश्वर मुझे उसका फल दे चुके हूं, ये प्रमाण ये सबूत ये बेटा आपके सामने है भला चंगा है, ये ढोल के साथ आए हैं पूरे और खुदावंद का आदर कर रहे हैं ढोल से दिल से जोर से धन्यवाद। दिल खुशियां दे नाल भरिया आया 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 मैं किनू दसा नी मैं उछल उछल के नचा मैनू बरकत दुनिया ये फिर उछल उछल के नचा खुशियां दे नाल भरिया आया दिल खुशियां दे नाल भरिया आया मैं किनू दसा मैं उछल उछल के नचा मैनू बरिश होया उछल उछल के
आइया खुशियां साडे वेड़े आइया खुशियां साडे होया बरकता साडे वेड़े बरकता आइया साडे वेड़े खुशियां होइया साडे वेड़े खुशियां होइया साडे वेड़े तू ही ओ मेरे दिल दा जानी। और ये आशीषें सबके लिए तैयार हैं। मैंने कहा ये सबके लिए ये सब आशीषें तैयार हैं। आमीन। क्या नाम रखा है इसका? हाँ, अच्छा मैंने रखा है, मैं भूल जाता हूँ। क्या रखा? अनमोल। वेरी गुड, ये आपके लिए अनमोल है। हाँ, ये हीरों से भी चांदी से भी, जैसे खुदावंद के वचन में लिखा है, इसका पालन पोषण खुदा के वचन से करना, ठीक है। ये आपका एक बड़ा आपके लिए ये एक सहायक बनकर ये आपके लिए खुदा ने डिवाइन हेल्पर दे दिया है। आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, निश्चय प्रभु आपका अनुग्रह इस बच्चे पर हमेशा के लिए अब से लेकर सदा तक बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन गवाहियों के साथ। ओके okay?